हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है एसएसबी कांस्टेबल वेटनरी, जी हाँ, एसएसबी कांस्टेबल में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, 1500 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी रिक्रूटमेंट का जो वीडियो बना रखा है वो देख करके आप लोग इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसके की अंतर्गत आप लोग के कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल वेटनरी, कांस्टेबल आप लोग की लेबोरेटरी असिस्टेंट और कांस्टेबल आया, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल सफाई वाला, कांस्टेबल वावर बारबर एक्सेट्रा की इसमें वैकेंसी निकली। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप लोग को नहीं पता तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और पूरी जानकारी के साथ इसके ऑनलाइन अप्लाई का जो मैंने वीडियो बनाया उसको देखते हुए आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सभी के वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं, चाहे आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप लोग कांस्टेबल किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इसके अलावा कांस्टेबल वेटनरी के लिए भी मैंने आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बनाया हुआ है। बट आज का जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली मैंने कांस्टेबल वेटनरी की जो वैकेंसी है एचएसबी के अंतर्गत इसमें इसके लिए मैंने आप लोग को बनाया, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा मुझे टेंशन हो रही है। जी हाँ, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन शायद किसी स्टूडेंट्स को भी ना हो। तो ये टेंशन इस चीज से है कि इसमें जो आप लोग की क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिजायरेबल मांगी गई है। जी हाँ, आप लोग को जो टेंथ होनी चाहिए, आप लोग साइंस से टेंथ है, मीन्स आप लोग के पास साइंस सब्जेक्ट है टेंथ में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग को एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मीन्स आप लोग को एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि डिजायरेबल इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। 1 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, रिकॉग्नाइज्ड जो आप लोग के हॉस्पिटल है वेटनरी हॉस्पिटल वहां से आप लोग को जो है इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। इसको लेकर के जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया है उस दिन से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आज ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं और इसको लेकर के अब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं आप लोगों से पहले कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा एसएसबी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वेटनरी का, इन्होंने साफ साफ डिजायरेबल लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड आप लोग का जो है वेटनरी हॉस्पिटल से होना चाहिए। इसके अलावा और भी पोस्ट है जिसमें कि आप लोग को एक्सपीरियंस मांगा गया, साफ साफ उन्होंने एक्सपीरियंस लिख दिया है, हमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर हमें जो है 2 साल की आईटीआई चाहिए या फिर 1 साल की आईटीआई प्लस 1 साल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि उन्होंने एजेंशियल के अंदर डाल दिया है। यानी कि ये आप लोग को जो है जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, वो उन्होंने डाल दिया। लेकिन जो वेटनरी की पोस्ट है उसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है इसको एजेंशियल में क्यों नहीं डाला, मींस ये भी आप लोग की जो जो आप लोग का एक्सपीरियंस है ये भी जरूरी है, जरूरी है, इसे भी आप लोग एजेंशियल में डाल सकते थे। डिजायरेबल आप लोगों ने क्यों लिखा, क्यों लिखा आप लोगों ने डिजायरेबल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों ने इसे डिजायरेबल क्यों लिखा। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी, जी हाँ, एक चपरासी से लेकर किसी भी आला अधिकारी से भी आप पूछ सकते हो डिजायरेबल का मतलब क्या होता है। डिजायरेबल का मतलब यही होता है वांछनीय, मीन्स हम चाहते हैं आप लोग के पास एक्सपीरियंस हो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आप लोग को प्रिफरेंस नहीं देंगे। मींस यदि हमारे पास लड़के पूरे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है तो हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, आप लोग को जो है वरीयता नहीं दी जाएगी, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, यही मतलब होता है डिजायरेबल का। यदि ये मतलब नहीं होता तो आप लोग तो उसे एजेंशियल में डाल सकते थे। आप लोगों ने स्पेशली उसमें डिजायरेबल लिखने का क्या मतलब है, आप लोगों ने डिजायरेबल क्यों लिखा मुझे ये बताइए, आप लोगों ने डिजायरेबल क्यों लिखा उसमें। यानी कि आप लोगों को भी पता है कि हमारे पास यदि बंदे नहीं आते हैं, उस क्वालिफिकेशन के बंदे नहीं आते हैं, उस लेवल के बंदे नहीं आते हैं जिनकी हाइट इतनी हो, जिनकी वेट इतनी हो, जो रनिंग वगैरह पूरी कर सके या फिर जो रिटर्न निकाल सके या फिर जिन्होंने वेटनरी का कर रखा है कोर्स लेकिन वेटनरी की नॉलेज नहीं है, तो हम उन्हें कैसे ले लेंगे। उसके बाद यदि उनको नहीं सेलेक्ट किया जाता फिर उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि हाई स्कूल पास है, जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है और मतलब जिनकी हाइट वेट चेस्ट एवरीथिंग रनिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, तो उनको वरीयता दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे डिजायरेबल लिखा जाता है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को शुरू से बताई है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई के समय इन्होंने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया उसमें आप लोगों को बिल्कुल कोई आप लोगों को जगह नहीं दी,
डिजायरेबल में साफ साफ उन्होंने बोल दिया यदि आप लोग यस करते हैं तो ही आप लोग अप्लाई करेंगे, नो करने पे आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बात यहीं पे खत्म हो चुकी थी। जी हाँ, बात यहीं पे खत्म हो चुकी थी। बच्चों ने जो अपने जो भी थे कंप्रोमाइज कर लिया था कि हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सर ने तो बोला था कि डिजायरेबल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या मिस्टेक थी, मैंने तो वही बताया जो रियल है। जी हाँ, मैं किसी एसएसबी में कोई वेटनरी की पोस्ट पे नहीं हूं मैं, या फिर मैं वेटनरी की कोई यहाँ पे जो आप लोग की सिलेक्शन नहीं लेता हूं कि मैं आप लोग को बता सकूं वहां पे एसएसबी वाले क्या करेंगे। मैंने वही आप लोग को बताया जो रियल है और जो मुझे जानकारी है। ये जानकारी एक चपरासी से ऑफिसर तक आप लोग पूछ सकते हैं, क्या मैंने आप लोग को कुछ गलत बोला नोटिफिकेशन में? कुछ भी गलत नहीं है, ए टू जेड। जी हाँ, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे, नहीं तो इन्होंने डिजायरेबल क्यों लिखा, इसे भी आप लोग एजेंसियल में डाल देते। जी हाँ, हमें चाहिए आप एजेंसियल में डाल दो, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा। ऑनलाइन अप्लाई के बाद कई बच्चे बोलने लगे कि सर नहीं हो रहा, बताइए सर आप बोल रहे थे, तो मैंने भी कंप्रोमाइज किया, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि एसएसबी वाले नहीं चाहते हो कि हमारे पास कोई ऐसे बंदे आए, हमें एक्सपीरियंस ही चाहिए, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिया, तो सब कुछ शांत हो गया था, मैंने भी संतोष कर लिया, चलो ठीक है जो हुआ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी दो दिन पहले जो पूरे दिन इन्होंने जो है इसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस किया, जी हाँ सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा चेंजेस किया है इन्होंने, तो अभी जो इन्होंने वेटनरी की पोस्ट पे इन्होंने अलाउ कर दिया था यदि डिजायरेबल है, यस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नो है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जैसे ही मुझे जानकारी मिली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि जो एसएसबी वालों ने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिया। जी हाँ, क्योंकि इनको मेल किया गया था, फोन वगैरह भी कहते, बहुत बच्चों ने कॉल वगैरह भी करी थी, तो इसकी वजह से जो है इसको देखा गया और इसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस किया गया। पूरे दिन इसमें चेंजेस रही, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया कि अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों ने इसमें अप्लाई भी किया, लेकिन बहुत से बच्चों ने सिर्फ वीडियो देखा भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे से जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर से वही प्रॉब्लम इसमें आ रही है। आप लोग जैसे ही इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जो आप लोग की ये डिजायरेबल मांगी हुई है इसे आप लोग जैसे ही नो करते हैं आप लोग फिर से अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसको लेकर के कई बच्चे परेशान हैं, बहुत से बच्चे तो जानते हैं कि सर ने जैसा था वैसा बताया, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे तो नए जुड़े हैं, सर आप फेक वीडियो क्यों बना रहे हो, इसमें तो फिर नो करने पे ऐसा हो रहा है। भाई मेरे, एक वीडियो से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। जी हाँ, 10 से 12 रुपए मात्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता एक वीडियो में। इसके लिए मैं आप लोगों की जिंदगी खराब नहीं करूंगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने वही बताया जो रियल था और जो उस वक्त एट ए टाइम जो वहां पे हो रहा था, पूरे दिन जो चला उसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी कि आप लोगों की जो है ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए, एसएसबी वालों ने इसमें चेंजेस कर दिए, लेकिन नेक्स्ट डे से इन्होंने फिर उसमें चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से इसमें बच्चे फिर से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, अब अप्लाई नहीं कर पा रहे तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं, जब उनके सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है, वही तय नहीं कर पा रहे हमें क्या लेना है कैसे लेना है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जा रहे, जबकि पहले आप लोग के एक्सपीरियंस हो गए, या फिर इससे रिलेटेड एससी एसटी ओबीसी सभी जो डॉक्यूमेंट हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स आप लोग के अपलोड हो रहे थे, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बंद कर दिए हैं। क्या प्रॉब्लम चल रही है वेबसाइट पे, या फिर वो नहीं चाह रहे हैं कि अब हमें डॉक्यूमेंट लेने ही नहीं है, सभी बच्चे अप्लाई करें, क्या है, क्या रीजन है, क्यों आप लोगों ने ऐसा किया, डेट निकलती जा रही है, लास्ट डेट आप लोग की नजदीक आ रही है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में चल रही है। ठीक है, मैंने कोई आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, जो जानकारी मुझे थी मैंने आप लोग को बताया, और मैं आज भी आप लोगों से यही कहता हूं, डिजायरेबल का मतलब यही होता है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को प्रिफरेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन एसएसबी वाले क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इसकी जानकारी मैं नहीं आप लोग को दे सकता। जी हाँ, आप लोग की वहां पे क्या होगा कैसे होगा ये भी जानकारी मैं आप लोग को नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं आप लोग को पॉइंट बता रहा हूं, अभी जैसे इन्होंने मना कर दिया है तो आप लोग यदि मना कर रहा है तो उसमें अप्लाई मत कीजिए। जी हाँ, बहुत से बच्चों ने उसको डिजायरेबल को यस करके अप्लाई कर दिया है, तो आप लोग यस करके अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग को वहां से बाहर कर दिया जाएगा। आप लोग नो करके ही अप्लाई करेंगे और यदि वहां पे वो अलाउ करेंगे तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार की आप लोग गलती मत कीजिएगा। यस करने का मतलब यही हो जाएगा कि आप लोग को जो है इसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है, मीन्स आप लोग को एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है, सारा का सारा डाटा जो है आप लोग को जो मेमोरी है उसमें फीड हो जाएगी। जी हाँ, जिसमें कि आप लोग को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है।
तो यस करके आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे आप लोग एसएसबी का फॉर्म अप्लाई ना कर पाए। जी हाँ, बहुत ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं बना पा रहे सभी लोग, तो वो यही सोच रहे हैं कि वेटनरी में अप्लाई कर देते हैं, लास्ट टाइम चल रहा है, पूरी मेहनत करूंगा मैं, निकाल दूंगा। लेकिन इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं बताइए, जब एसएसबी वालों ने ही इसमें चेंजेस कर दिए, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने को नहीं कह रहे हैं किसी भी प्रकार का, जो दोबारा से चेंजेस कर दिया इन्होंने वेटनरी में, तो वेटनरी में आप लोग यस करके नहीं करेंगे, नो करने के बाद ही करेंगे जब भी हो, ठीक है, जब भी आप लोग का अलाउ हो या नहीं हो, ठीक है। बट मैं अब इस वेटनरी के ऊपर कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, जी अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पे, क्योंकि मैं खुद इस पोस्ट से परेशान हो चुका हूं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को एक सजेशन और देना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के आप लोग गलत कामों में ना फंसिए। जी हाँ, वेटनरी के बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं वेटनरी का आप लोग को सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा, जी हाँ मैं बना दूंगा। तो भाई यदि आप लोग बना सकते हो तो एक चैनल क्रिएट कर लो, ठीक है, लाइव आओ, अपनी शक्ल दिखाओ, लाइव आप लोग सर्टिफिकेट बनाओ। दूसरे के आप लोग वीडियोज में कॉमेंट करके दूसरे बच्चों को फंसा रहे हैं, 4,000, 5,000, 3,000, 2,000 आप लोग ले रहे हैं, तो ये चीजें सही नहीं है। आप लोग भी चैनल क्रिएट करिए, अपनी एक इमेज बनाइए, आप लोग भी अपने फेस को दिखाइए, चेहरा दिखाइए, जी हाँ हम जाली काम नहीं कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, क्यों दूसरे के वीडियोस में आप लोग इस प्रकार से वेटनरी का सर्टिफिकेट बेच रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, चाहे आप लोग अप्लाई ना करें लेकिन कोई फर्जी काम नहीं करेंगे, जी हाँ कोई वेटनरी का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, 5,000, 4,000, 3,000 किसी भी प्रकार का आप लोग सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। जाली सर्टिफिकेट आप लोग को आगे जाके प्रॉब्लम देगा, चाहे आप लोग फिजिकल निकाल दें, रिटेन निकाल दें, इस चीज की मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूं। ट्रेड टेस्ट में बहुत नुकसान होगा आप लोग को, और जो पैसे आप लोग के गए हैं वो भी नुकसान हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, और आगे यदि वो यदि अलाउ करते हैं आप लोगों को डिजायरेबल नो करने पे, तो ही आप लोग अलाउ अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप लोग भी वेटनरी को भूल जाइए। मैं भी इस पोस्ट के लिए अब आप लोग को कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इस प्रकार की मुझे कमेंट करे कि सर मैं फेक। जी हां, ऐसी कुछ नहीं है, एक वीडियो से मैंने आप लोग को बता दिया मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। जी हां, मैं करोड़पति नहीं बनूंगा एक वीडियो से। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जो कि बनाना बहुत जरूरी था इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट को लेके, इस पोस्ट से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। बट दूसरे वीडियोस मेरे आते रहेंगे, वेटनरी का वीडियो मैं अब नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जी हां, तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहो। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।